दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निपुण भारत लक्ष्य अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि क्लास 1, 2 और 3 के बच्चों को हमें जो भी हमें शिक्षण योजना दी जा रही है उस अकॉर्डिंग अपने शिक्षण योजना तैयार करनी है और बच्चों को उस अकॉर्डिंग पढ़ाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में बच्चों का बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ है और वो अपने निपुण लक्ष्य से बहुत पीछे जा चुके हैं। तो वो लक्ष्य किस तरीके से हम उन्हें पूरा कराएं, उनका जो लर्निंग गैप है उसको हम किस तरीके से भरें, इसके लिए ही हमें एक पर्टिकुलरली वे में एक योजना तैयार कर मिल रही है, शिक्षण योजना पूरी तैयार कर मिल रही है और उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। हालांकि आप सभी अपने आप में निपुण है, श्रेष्ठ है और बहुत सारी क्वालिटीज़ है आप में और आप बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, और आपको पढ़ाना भी है। वो अपनी सारी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है क्योंकि हमारा एम ही बच्चों को उनके निपुण लक्ष्य तक पहुँचाना है। लेकिन जो शिक्षण योजना हमें दी जा रही है बेसिक विभाग की तरफ से, वो भी हमें फॉलो करती जानी है। तो उसके लिए मैंने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, आप सबको करना है मेंटेन। तो मैं भी ये भाषा का लेके आई हूँ, क्लास 2 का लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये निपुण लक्ष्य का है आपका, ठीक है। तो भाषा शिक्षण योजना यानी भाषा शिक्षण साप्ताहिक योजना का रजिस्टर है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि सप्ताह 1 का मैंने डाला था। तो चलिए दोस्तों, हम अभी इस वीडियो में सप्ताह 1 और 2 का आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हमारा स्टार्टिंग शुरू करते हैं। ये है हमारा फ्रंट पेज रजिस्टर का, ठीक है दोस्तों। आप मुझे पता है इसे बेस्ट बनाओगे और आपसे यही होप भी है। ये देखिए, इसके बाद अंदर साप्ताहिक शिक्षण योजना मैंने एक बना लिया है कार्यक्रम, और इधर वार्षिक शिक्षण योजना, ये क्या है, कैसे करनी है, ये सारी की वीडियोज ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा दैनिक शिक्षण योजना, इस पर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, इसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। फिर आता है सप्ताह 1 का कार्यक्रम, ये भी मैंने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसमें दिखा दे रही हूँ दोस्तों। एक चीज में मैंने डेट और आपका दिन नहीं यूज किया हुआ, नहीं डाला हुआ है, उसका रीजन है क्योंकि आपको 22 सप्ताह का कार्यक्रम लेकर चलना है, ठीक है। और 22 सप्ताह के कार्यक्रम में आपके 22 सप्ताह पूरे होने चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आज से शुरू कर लीजिए, या अभी 1 अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा मत करिएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा कि हमारा फैब एंड या फिर हमारा मार्च फर्स्ट वीक बच्चों का पूरा 22 सप्ताह कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम अगस्त से ही शुरू हो चुका है, 1 अगस्त को ही मिल गया था PDF। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि